शिक्षा के गिरते स्तर पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता का असर अब नौकर साहब पे दिखने लगा है। बरेली प्रशासन ने पहल करते हुए शिक्षा गृह के नाम से एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत बरेली जिले में प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्ता परक शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। बरेली डीएम सुरेंद्र सिंह ने प्राइमरी शिक्षा व संवाद कार्यक्रम में भागीदारी करते हुए जिले के टीचरों को संबोधित करते हुए कहा, शिक्षक अपनी जिम्मेदारी निभाए, प्रशासन उनके साथ है। डीएम ने इस मौके पर शिक्षकों को शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए टिप्स भी दिए। वहीं सुरेंद्र सिंह ने ये जानकारी भी दी कि जिन विद्यालयों में मानक से अधिक टीचर हैं, उन्हें जल्द एकल विद्यालय के साथ टीचर विहीन विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी सभी का ये निर्देश है और उद्देश्य है कि हम प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएं और प्रत्येक व्यक्ति को एक गुणवत्तापरक शिक्षा का अधिकार और अवसर उपलब्ध कराएं। उसी के चलते आज एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम शिक्षा गृह रखा है। यानी कि गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए सभी लोग आग्रह करेंगे, जो अभिभावक हैं वो शिक्षकों से आग्रह करेंगे, शिक्षक और जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में आग्रह करेंगे, अधिकारी हैं वो आग्रह करेंगे कि आप अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करिए। इसमें बहुत सारे इंटरवेंशन हमने रखे हैं, जैसे कि शिक्षक की डायरी मेंटेन की जाएगी जिसमें शिक्षक प्रत्येक दिन का ब्यौरा देंगे कि आज उन्हें क्या पढ़ाना था, आज उन्होंने क्या पढ़ाया। पेरेंट टीचर्स की जो मीटिंग है उसका पूरा डिटेल होगा। बच्चे की जो लर्निंग लेवल है, यानी कि आज वो क्या जानता है, उस लर्निंग लेवल की पूरी ट्रैकिंग की जाएगी। एजुकेशनल अचीवमेंट चार्ट बनाया जाएगा जिसमें महीने दर महीने बच्चे ने क्या सीखा, पहले क्या स्टेटस था, आज क्या स्टेटस है, वो ट्रैक किया जाएगा। डिफरेंट टाइप की कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिशन हैं, प्रतियोगिताएं हैं, वो आयोजित की जाएंगी। कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। साथ ही जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं टीचर, जिन्होंने इनोवेटिव काम किए, क्रिएटिव काम किए, उसको रिप्लीकेट किया जाएगा। साथ ही जो है स्कूलों के मध्य में आपस में प्रतियोगिताएं आयोजित करी जाएंगी। एक आदर्श शिक्षक एवं मेधावी छात्र खोज प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी, जो इंडिपेंडेंट होगी, जो शिक्षा विभाग नहीं कराएगा बल्कि जिला प्रशासन कराएगा, जिसमें प्रत्येक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा से 7 बच्चे होंगे। उन 7 बच्चों का रिप्रेजेंटेशन न्याय पंचायत स्तर पर होगा। उनके जो टॉपर्स होंगे हर एक क्लास के, वो लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएंगे और ऐसे हम मेधावी छात्रों की और आदर्श शिक्षकों की खोज करेंगे। इससे बढ़ावा मिलेगा, एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा जो कि